हेलो गाइस, फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप देखिए, मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसको बोलते हैं दही भिंडी रेसिपी। तो हम लोग चलते हैं किचन की ओर। आप देखिए, और एक कुछ भिंडी मैं धो के रखी थी, देखिए भिंडी बहुत अच्छा है। तो आप देखिए इसको, और इसका डंठल जो है उसको कट करके निकालना है। और एक टमाटर ली हूँ, बड़ा छोटा होगा तो दो ले लीजिए, और मैं बड़ा सा ली हूँ इसलिए एक ही ली हूँ। और इसका डंठल जो है भिंडी का, इसको पूरा कट करके निकालना है। देखिए पूरा कट कर ली और इसका डंठल बाहर कर दी हूँ। और इसमें एक चीरा लगा लेना है बीच से। भिंडी बड़ी साइज में होना चाहिए, भिंडी बड़ी हो तो दो दो कट कर लेना बीच से। और देखिए कुछ टमाटर है, उसको कट की हूँ। इसको कद्दूकस करना है, और मैं गैस ओपन की और इसमें कढ़ाई रखी। और आप सरसों का तेल यूज़ कीजिएगा, सरसों के तेल में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, और तेल कुछ थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें भिंडी को भी तलना है। तो तेल में डाल दी हूँ, और देखिए गैस को तेज़ करना है। और फिर ये जैसे गरम हो जाता है ऑयल, तो इसको गरम हो गया है अभी देखिए। तो हम ये जो भिंडी है उसको डालेंगे कढ़ाई में और निकाल लेंगे। ये देखिए फ्राइज करके निकाल ली हूँ, देखिए इतना अच्छा लग रहा है अभी देखने में। और ये कुछ तेल था, उसको इसमें कुछ मसाले डालना है मुझे। तो ये हरी मिर्ची हो गई, दो तीन मिर्ची ली हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा अभी, मसाला में भी पड़ेगा। और जीरा है, ये देखिए जीरा था, थोड़ा डाल दी हूँ। और एक कद्दू कस करके रखी थी ये प्याज, दो ली हूँ। और इसको बारीक कट करना है, आप जितना दो तीन चार लेना है ले लीजिए, लेकिन मैं दो ही ली हूँ। और ये कद्दू कस की हूँ, इसमें अदरक है और लहसुन है, चार छः कलियाँ लहसुन है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का था, इसको मैं कद्दू कस कर ली हूँ। और फिर इसको चलाना है करछे की मदद से। देखिए इसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है, आप खाइए बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं दही है, तो इसमें 5-6 चम्मच दही ले लेना है। दही फ्रेश हो तो चलेगा, 2-3 दिन का रहेगा तो भी चलेगा। और इसमें कुछ मसाले डालना है, तो देखिए मसाला है, 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ली हूँ, आप देखिए 2 चम्मच। और फिर 1 चम्मच हल्दी, हल्दी मैं पहले भी डाली थी इसलिए थोड़ा हल्दी कम डाल रही हूँ, क्योंकि जब, और लाल मिर्च ली हूँ 1 चम्मच भर के। देखिए इसमें कलर बहुत अच्छा आता है, इसको फेंट लेना है अच्छे से, इसको मिला लेना है दही में ताकि मिक्स हो जाए। देखिए ये पूरा रेडी हो गया है। तो अभी इस मसाला रखते हैं और फिर चलते हैं किचन में, देखते हैं। और ये भिंडी मेरी पक गई है, और ये पूरा भिंडी फ्राई की थी तो आपको नहीं दिखाई थी, इसलिए आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं ये फ्राइड कर रही हूँ। मैं पहले भूल गई थी दिखाने के लिए, मैं सोची चलो आपके साथ दिखा देती हूँ। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो गल जाएगी। तो ये मेरा पूरा रेडी हो गया है मसाला, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा मसाला रेडी हो गया है दही में। और ये फेंट के रख लेना है बगल में, और ये मेरा इधर भी फ्राई हो गया है देखिए। और इसमें थोड़ा हल्दी भी डाल देना है, थोड़ा सा, बहुत नहीं, इसका कलर अच्छा आता है हल्दी डालने से, देखिए। और इसको चलाना है धीरे धीरे, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है, और इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है। अभी मेरा रेडी हो गया है, तो ये मसाले में डाली थी प्याज व्याज, तो इसको सुनहरा करने तक हो गया था। वे टमाटर डाल दी, देखिए ये कद्दू किस की टमाटर, ये देखिए, अरे टमाटर कभी गिर भी अच्छा लगता है। देखिए इसको अच्छे से पकाना है, और ये देखिए कितना अच्छा मिल गया है इसमें, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है, ग्रेवी है ना तो अच्छा लगता है। फिर ये जो दही था उसको मैं डाल दी थी देखिए, और गैस को बंद कर देना है, नहीं तो दही फट जाएगी, अब देखिए। और फिर जैसे ही जला दी थी, अब ये पक रहा है,
खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इसको आप पराठा के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। चावल के साथ खाइए, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और एक चम्मच नमक डाली हूँ, नमक पहले मैं डाली नहीं थी इसलिए डाली हूँ अभी, देखिए। और ऐसे चलाते रहिए, जैसे ही पक जाता है, ये देखिए पक गई है। इसमें अब भिंडी डालना है, डाल दिए, अभी नहीं डाले हैं, देखिए बहुत अच्छा बन गया है। और ये भिंडी रही, डाल दी पूरा भिंडी, और चलाइए, इतना मस्त खुशबू आ रही है ना कि आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत अच्छी ये रेसिपी है, आप बनाइए, खाइए, बच्चों को खिलाइए, बहुत अच्छा लगता है। देखिए अभी ये रेडी होने वाला है, तो अभी थोड़ा ढक देंगे 2 मिनट के लिए, और फिर ये देखिए अभी रेडी पूरा, कितना अच्छा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और इसको ढक के 2-3 मिनट तक पकाइए, और फिर ओपन करके देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है। अभी गरम मसाला थोड़ा डालना है, ऊपर से गरम मसाला डाल दीजिए, बहुत मस्त खुशबू आती है। और ये मेरी अरे मसाला डाल दी, और देखिए थोड़ा चला देना है, और देखिए बहुत अच्छा खुशबू आ रही है। वाह, अभी तो मुंह में पानी आ रहा है। और फिर ये धनिया की पत्ती थी उसको कट की थी, और कट करके थोड़ा डाल देना है, और आराम से चलाइए, देखिए मुंह में पानी आ रहा है। और इसको खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और रेसिपी कैसी लगती है आप कमेंट करके प्लीज़ प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गाइस कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। देख सकते हैं ये मसाला था, ये मैं आपको दिखाई नहीं थी। तब के लिए बाय बाय, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मैं पहले ही ये दही डालते समय नहीं दिखाई थी, इसलिए सोची आपको दिखा देती हूँ। तो ये दही मेरा पूरा गया, और गैस को बंद करके दही डालिएगा प्लीज़, नहीं तो ये दही फट जाएगी। आप सिलो करके दीजिए, और देखिए बहुत अच्छा बनेगा ये इसका ग्रेवी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रेसिपी आपको शेयर करेंगे। कमेंट करिए, लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।